अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में जो फाइनली 12th क्लास और 10th क्लास के जो रिज़ल्ट है 2021 का, उसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो अनाउंस कर दी गई है। आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि जो इंटरमीडिएट के जो रिज़ल्ट की डेट है ऑलरेडी दो बार अनाउंस की जा चुकी है, जिसमें आपने भी नोटिफिकेशन देखे होंगे, जिसमें सबसे पहले बताया जा रहा था कि जो इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट है 12th क्लास का, उसकी जो डेट है वो 1 सितंबर है। इसके अलावा कुछ नोटिफिकेशन आपने ऐसे भी देखे होंगे जिसमें 12 सितंबर और 25 सितंबर का कहा जा रहा था, लेकिन कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया था बोर्ड की जानिब से, या IBCC की जो एक मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने लिहाजा कहा था कि जो इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट है पंजाब और आज़ाद कश्मीर के जितने भी बोर्ड हैं वो 25 सितंबर को अनाउंस किया जाएगा। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आया है 10th क्लास के रिज़ल्ट की डेट, इसके अलावा 12th क्लास के रिज़ल्ट की डेट, क्योंकि बहुत से फेक नोटिफिकेशन आ रहे थे, तो IBCC की जानब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि आपकी जो एग्जैक्ट डेट है रिज़ल्ट की वो क्या है, किस वक्त आपका रिज़ल्ट अनाउंस होगा और स्टूडेंट्स से कैसे चेक करना है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इस चैनल पर इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए बहुत सी वीडियोस अपलोड हो रही हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं हमारे इस चैनल पर किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, तो हम उनको बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है, आपकी मार्क्स की परसेंटेज के हिसाब से हम आपको उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं और आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। अभी जो आई थिंक 60% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट से पहले ही उनके जो एडमिशन ओपन हुए थे और अभी क्लोज भी हो चुके हैं, और अभी इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट के बाद जो 40% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मोस्टली इनमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, उनके एडमिशन हैं वो दोबारा ओपन किए जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो मोस्टली इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट के बेस पे वो आपको एडमिशन देती हैं, और अभी मोस्टली काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं जिनमें स्टूडेंट्स अभी अप्लाई कर सकते हैं इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट के बाद। तो अभी मैं आपको डेट्स बता देता हूं कि रिज़ल्ट की डेट्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, 12th क्लास का जो रिज़ल्ट है सबसे पहले उसकी जो डेट बताई गई थी वो 25 सितंबर बताई गई थी, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आया जिसमें एग्जैक्ट डेट बता दी गई है आपका जो रिज़ल्ट है इंटरमीडिएट का वो 30 सितंबर को अनाउंस किया जाएगा, और इसकी जो टाइमिंग होगी वो सुबह 10 बजे होगी। पंजाब के अंदर जितने भी बोर्ड्स आते हैं 9 बोर्ड सब के जो रिज़ल्ट है वो एक ही वक्त अनाउंस किया जाएगा, और आप ये रिज़ल्ट आप अपने जो मुतलका बोर्ड की वेबसाइट पे जाकर इजीली चेक कर सकते हैं। 30 सितंबर को 12th क्लास का रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। इसके अलावा मैटर की बात करते हैं तो 15 अक्टूबर को जो 10th क्लास का उनका रिज़ल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो 9th वाले स्टूडेंट्स और 11th वाले स्टूडेंट्स भी अपने रिज़ल्ट की डेट्स पूछ रहे हैं, तो लेकिन सबसे पहले जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस किया जाना था 12th क्लास का, क्योंकि इन्होंने नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, और 10th क्लास का जिन्होंने कॉलेजेस में एडमिशन लेना है इनके जो रिज़ल्ट की डेट्स हैं वो मैंने आपको बता दी। 12th क्लास का 30 सितंबर को, और इसके अलावा जो 10th क्लास का वो 15 अक्टूबर को, ये डेट एग्जैक्ट हैं आपका, इस डेट को जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। इसके अलावा भी आप कोई इन्फो लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।